बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र और गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी से दो युवकों को रौंदने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह की सफाई सामने आई है। मामले को लेकर जब एक महिला पत्रकार ने बेबाकी से ब्रजभूषण से सवाल किया तो पहले ब्रजभूषण शरण सिंह सवालों से बचते दिखाई दिए और बार बार सवाल के जवाब पर घर आइए की बात कहने लगे। आप घर आइए, घर घर क्यों सर, आप ये भी बताइए। मिस्टर सिंह, व्हाट डू यू हैव टू से? प्लीज यू हैव टू आंसर। टू पीपल हैव डाइड, आर यू रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी मिस्टर सिंह? आप घर। लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह के गाड़ी में बैठने के बाद भी महिला पत्रकार लगातार उनसे करण भूषण को लेकर सवाल करती रही, तब जाकर ब्रजभूषण शरण ने जवाब दिया और कहा जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है वो काफिले से दूर थी और गुस्से में कहा आप बेटे को अपराधी बना दीजिए। केस क्या है? दो लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए, हमारे बेटे ने की गाड़ी, उसका जो काफिला चार पांच गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था, 3-4 किलोमीटर उसकी गाड़ी आ गई। बट रौंदे धोनी की गाड़ी से गए ना? आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो, ये बना दो, बना दो। इसके अगले ही पल ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस हादसे का जिम्मेदार गाड़ी का ड्राइवर है जो इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेगा। ड्राइवर हाजिर हो चुका है। जब इसे पत्रकार ने गलत बताते हुए सवाल किया तो ब्रजभूषण शरण सिंह बिना जवाब दिए हुए निकल गए। तो आप रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसे रिस्पांसिबिलिटी लेगा ड्राइवर। कैसे ड्राइवर लेगा? आपके बेटे की कॉन्वॉय थी, आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे? ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे ये चीज? ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे? वहीं करण भूषण पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि ये एक संयोग था, इसे बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मामले में कार्रवाई हो चुकी है जिसके बाद ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो अब जेल में है। और ये जितने भी दल लगे हैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। ये एक संयोग था कि जो कार्रवाई नहीं हुई इसमें गलत है। तुरंत ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई, उस पर कार्रवाई हुई और वो जेल में। कुल मिलाकर पूरे मामले में बाप बेटे सफाई देते दिख रहे हैं, पर उनके घर का हाल सोचकर देखिए जिनके घर में इस समय मातम का माहौल छाया हुआ है। बता दें कि बुधवार को करण भूषण के काफिले की गाड़ी ने 3 लोगों को रौंदा था जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई थी।